देखने वालों को मेरी शॉर्ट में बताओ ना, शॉर्ट में बन जाए प्रोग्राम देखने सारे दर्शकों को, मेरी वालों प्रोग्राम देखने वाले। मेरी आने वाली फिल्म है जो 6 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, मुन्ना पांडे बेरोज़गार। वो एक ऐसी फिल्म है जो जैसे कि नाम से प्रतीत होता है कि मुन्ना पांडे बेरोज़गार, जो हमारे भारत में जो बेरोज़गारी फैल रही है उसके ऊपर ये फिल्म बन रही है, जिसमें मैं बतौर नायिका काम कर रही हूँ। इस फिल्म से उम्मीद है मुझे, जैसे कि मेरी दर्शकों ने, मेरे भोजपुरी दर्शकों ने मुझे बहुत सराहा, मेरी हर फिल्म में 8-10 फिल्में मैं भोजपुरी कर चुकी हूँ। जैसे कि मेरी फिल्म पहली धरती पुत्र रिलीज़ हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म गई थी, तो उसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ ये दर्शकों को पसंद आएगी। मेरी दूसरी फिल्म एक रिलीज़ हुई थी प्रीतिया त्यौहार। प्रीतिया त्यौहार एक ऐसी फिल्म है जो कि मुंबई में मल्टीप्लेक्स थिएटर में लगी। मैं कह सकती हूँ कि अमित जी ने एक फिल्म की थी गंगा भोजपुरी में, तो वो फिल्म मैं कंपैरिजन नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ अपने आप को भाग्यशाली जरूर मानती हूँ कि मेरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगी थी और 3-4 मल्टीप्लेक्स थिएटर में वहाँ बॉम्बे में रिलीज हुई, जो कि गंगा उस स्थान तक नहीं पहुँच पाई लेकिन मेरी फिल्म पहुँची, तो दैट्स वाई आई एम लकी। स्ट्रगल तो मैंने किया, काफ़ी किया, 1 साल तक किया, लेकिन अगर मैं आपको अपनी दास्तान बताऊंगी तो शायद आपको थोड़ी हंसी आएगी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से शौक था एक्टिंग में, ये सब चीज़ों का शौक था, लेकिन स्टार्टिंग से मैं चाहती थी कि एक्ट्रेस बनने के लिए मैं बॉम्बे नहीं आई थी, मैं बॉम्बे आई थी सलमान खान को ढूंढने के लिए क्योंकि मैं बचपन से उनकी बहुत फैन रही थी 12 साल से, तो मैं सोचती थी कि ठीक है मैं बॉम्बे जाऊंगी और सलमान जी को ढूंढूंगी और उनसे मिलके उनसे शादी कर लूंगी तो सब कुछ मुझे आगरा, क्योंकि मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, आगरा में जब तक मैं रहती तो मुझे ये सब कुछ बहुत ईजी लगता था कि नहीं मैं तो उनको मिलूंगी, मैं तो अच्छी दिखती हूँ और ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन शायद मेरे दिल की बात उन तक पहुंच जाए आपके चैनल के जरिए लेकिन एनीवे मैं बॉम्बे आई और फिर मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया और जाना कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और फिर अपने लिए मैंने मेहनत की और फिर मैं आज आप सबके सामने एक भोजपुरी हीरोइन के रूप में हूँ।